Welcome to my YouTube channel. This is Diksha Sharma here. Today we are discussing about some basic rules of reading that you should know while doing the reading PT blanks. Let's start. Okay, the reading rules. First, is या फिर are. Blank से पहले अगर is और are है तो blank में verb की first form के साथ ing. ये आएगा एक्टिव केस में, लेकिन जब पैसिव केस होगा तो क्या आएगा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म. अगर दोनों में से कोई भी नहीं ऑप्शन में मिल रहा तो उस केस में आएगा यहाँ पे एडजेक्टिव. नेक्स्ट सेम रहेगा वोज और वर के केस में. अगर ब्लैंक से पहले वोज और वर है तब सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. अगर एक्टिव केस है, अगर पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म. अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं अवेलेबल तब एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के चांसेस कम होते हैं, 2 से 3% ही रहेंगे. ज्यादातर वर्ब की थर्ड फॉर्म इंक्लूड होती है. नेक्स्ट थर्ड हैज, हैव और हैड. ज्यादातर इनके साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इनके साथ बीन लग जाता है तब भी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म. लेकिन हैज, हैव और हैड इनके साथ अगर बीन लग जाता है तब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. ज्यादातर तो इनमें थर्ड फॉर्म रहती है, लेकिन कभी कभी कम चांस होते हैं इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट चलते हैं आगे. अगर ब्लैंक से पहले है टू तो ब्लैंक में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. 99% केसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, लेकिन 1% केस ऐसा हो जाता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, वो एडवांस इंग्लिश में हो जाता है. ज्यादातर 99% केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी. नेक्स्ट अगर ब्लैंक से पहले है बी, बी के बाद हमेशा आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म. कुछ परसेंट ऐसे केस हो जाते हैं जहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती, उस केस में यहाँ पे बी के बाद जाता है एडजेक्टिव. नेक्स्ट बाय से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा, और बाय के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. नेक्स्ट मोडल्स. मोडल्स कौन कौन से, जैसे कि शैल, विल, शुड, वुड, इन सब के साथ आएगा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. डन. नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेपोजिशन. जितनी भी हमारी प्रेपोजिशन होती है जैसे कि आफ्टर, बिफोर, वाई, ऑफ, फोर, टू को छोड़ के जितने भी हमारी प्रेपोजिशन होती है उनके बाद अगर ब्लैंक आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैक्सिमम लगती है आईएनजी. लेकिन फोर का एक एक्सेप्शनल केस होता है, वैसे तो आईएनजी आती है लेकिन कभी कभी आईएनजी नहीं होती, उस केस में ऑफ के बाद आएगा नाउन. नेक्स्ट एंड. एंड से पहले जैसी बात हो रही होती है एंड के बाद भी हमेशा वैसी ही बात आती है. जैसे कि एंड से पहले अगर फर्स्ट फॉर्म है तो एंड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आएगी. अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो एंड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा. यहां पर अगर नाउन की बात है तो यहां पर भी नाउन आएगा. एंड मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी इसमें, अगर यहां पर कोई पॉजिटिव बात है तो यहां पर भी पॉजिटिव ही बात आएगी. यहां पर अगर कोई नेगेटिव है तो यहां पर भी नेगेटिव आएगी. और के केस में ये चीज सेम अपोजिट हो जाती है. और के केस में अगर यहां पर नेगेटिव है तो यहां पर पॉजिटिव आएगी, और यहां पर अगर पॉजिटिव है तो यहां पर नेगेटिव आएगी. बाकी सेम रहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी के साथ आईएनजी, ऑर्डर सेम ही रहेगा ये. क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं आगे.
नेक्स्ट है अगर ब्लैंक से पहले है दीज दोस दे, अगर ब्लैंक से पहले ऐसे वर्ड है तो ब्लैंक में हमेशा आएगा एस वाला वर्ड, यानी जिसके पास लाइन के बाद एस हो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस वाला वर्ड आएगा। इन केस अगर एस वाला वर्ड नहीं होता गो विद वर्ब थर्ड फॉर्म, सेम रहता है ये इट और विच के केस में भी, अगर ब्लैंक से पहले इट है या फिर विच है, ज्यादातर तो रहता है वर्ड के साथ एस वाला, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, लेकिन अगर एस वाला वर्ड नहीं मिलता आपको देन गो विद द वर्ब थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आर्टिकल ए द एंड टॉक अबाउट एन, एन के बाद तो आपको पता ही होगा एन के बाद तो हमेशा आता है वोवल्स, वोवल्स यानी ए ई आई ओ यू, जिनके साउंड ए आई ओ यू वाले होंगे वो आएगा एन के बाद हमेशा वोवल्स, एंड ए और द के बाद, ए और द के बाद मैक्सिमम वैसे आता है नाउन, लेकिन कुछ परसेंट ऐसे हो जाते हैं जब ब्लैंक के बाद नाउन दिया होता है उस केस में यहाँ पे नाउन नहीं आता, जैसे कि यहाँ पे ए और द है यहाँ पर ब्लैंक है, वैसे तो यहाँ पे नाउन लिखोगे लेकिन अगर ब्लैंक के बाद वाला वर्ड अगर नाउन है उस केस में यहाँ पर नाउन नहीं, उस केस में यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाता है। अब जैसे इन दोनों के एग्जाम्पल, जैसे कि ही इज ए डैश, अब जैसे यहाँ पे ए है, ए के बाद हमें चाहिए यहाँ पे नाउन ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, ठीक है, और यहाँ पर है जैसे ही इज अ डैश बॉय, वो कैसा बॉय है, एडजेक्टिव यानी गुड बैड कैसा बॉय है, वो यहाँ पर फिर चाहिए एडजेक्टिव कि वो गुड है या फिर वो बैड है, उस केस में यहाँ पर एडजेक्टिव आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट टू से पहले अगर ब्लैंक हो, तो उसे पहले अगर ब्लैंक होता है मैक्सिमम तो वर्ड की थर्ड फॉर्म रहता है, 50% केस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, लेकिन कुछ परसेंट केस ऐसे हो जाते हैं जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं अप्लाई होती, वहां पर आप देखोगे सिर्फ वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी हो सकता है उस केस में, या सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है उस केसेस में। नेक्स्ट अगर ब्लैंक से पहले एलवाई वाला वर्ड है, यानी जैसे कि एग्जैक्टली हो गया, क्विकली हो गया, अगर ब्लैंक से पहले एलवाई वाला वर्ड है तो उसको डिनोट करेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उस केस में यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म देखोगे। सेम केस रहता है अगर यहाँ पर थर्ड फॉर्म है तो उसके बाद आप एलवाई का ऑप्शन भी देख सकते हो ब्लैंक में, तो दोनों केसेस सेम रहते हैं, यानी एलवाई को डिनोट वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को डिनोट एलवाई वर्ड करता है। नेक्स्ट अगर ब्लैंक से पहले कोई ऐसा वर्ड है जो एस से खत्म हो रहा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, अगर वर्ड एस से खत्म हुआ है तो यानी यहां पर भी हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, यहां पर भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेंगे उस केस में भी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लैंक से पहले अगर डैट होता है, ब्लैंक से पहले अगर डैट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर डैट के बाद ब्लैंक है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, उस केस में ही हो जाता है, थर्ड फॉर्म के डैट से पहले तो थर्ड फॉर्म, डैट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस वाला वर्ड। क्लियर। नेक्स्ट कभी कभी ऐसा होता है जैसे ब्लैंक से, ब्लैंक स्टार्टिंग में दिया होता है, यहां पर है फुल स्टॉप, यहां पर है ब्लैंक, उस केस में यहां पर हमेशा चाहिए होता है हमें कनेक्टर, मैक्सिमम टाइम यहां पर कनेक्टर आते हैं, कनेक्टर कैसे, जैसे कि हाउएवर, मोरओवर, वाई या फिर सो, दस, हमेशा यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। अगर यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ पर ब्लैंक है, उसके बाद कॉमा है, तब भी यहाँ पर सेम यही कनेक्टर आएंगे। इन केस ब्लैंक से पहले कॉमा है और ब्लैंक के बाद भी कॉमा है, दोनों जगह कॉमा है, तब भी यहाँ पर आएगा कनेक्टर, लेकिन इनकेस अगर यहाँ पर कनेक्टर नहीं है तो कोई ऐसा वर्ड आएगा जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट वर्ड आएगा तब यहां पर, इंडिपेंडेंट वर्ड। ओके। नेक्स्ट यहां पर अगर ब्लैंक से पहले अगर नाउन है
ब्लैंक में हमेशा आएगा एडजेक्टिव, अगर ब्लैंक से पहले एडजेक्टिव है उस केस में आएगा यहां पर नाउन। सेम रहेगा ये एडवर्ब और वर्ब में, यहां पर अगर ब्लैंक से पहले एडवर्ब है, एडवर्ब यानी जो अभी हमने कह रहा है कि एलवाई वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब, एडवर्ब के बाद आती है वर्ब, यानी अभी हमने कह रहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तब उस केस में चाहिए हमें वर्ब ही या तो वी वन प्लस आई एन जी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इफ यू लाइक दिस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।